वेलकम टू फेरीज फैमिली व्लॉग्स। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अभी इस वक्त सुबह के 9:15 हुए हैं और आर्यन जो है वो 7 बजे तक जाग गया था। और अभी इस वक्त मैं करने लगी हूँ नाश्ता। थोड़ा थोड़ा मैंने कमरे को सेट कर दिया है, फिर अभी मैंने झाड़ू वगैरह लगाना है, लेकिन उससे पहले मैं नाश्ता करने लगी हूँ। और आज नाश्ते में है मेरे पास दूध का एक बड़ा कप और साथ में है ऑमलेट जो कि मैंने 2 अंडों से बनाया है। तो बस अभी नाश्ता करते हैं, उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाती हूँ और कुछ कपड़े हैं वो धोने हैं। और बस आज का दिन इसी तरह कामों में गुजरेगा। ड्रेस भी दिखाओ। वाओ, ये आगे से हॉर्स उठाओ ना, ड्रेस नजर नहीं आ रहा सही करके। ये आर्यन का न्यू ड्रेस। यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही हूँ और आर्यन बाहर से खेल के वापस आ चुका है मेरे पास इस वक्त, और बस मेरे साथ बातें कर रहा है। और बस आजकल तो इतनी डिफरेंट बातें करता है कि बस खुद भी हंसता है और हमें भी हंसाता रहता है। और यहाँ पे कुछ धुले हुए कपड़े हैं जिनको मैं फ़ोल्ड करके रख रही हूँ और बस इसके बाद फिर बाकी के काम शुरू करूँगी। और आपको भी यही कहूँगी कि जैसे ही कपड़े धुलते हैं फ़ौरन से फोल्ड कर लिया करें, तो इससे ये होता है कि कम गंद मचता है और आसानी से सफाई हो जाती है। अभी यहाँ है कपड़े धोने के लिए और बस मैं जल्दी से धोती हूँ और ये धो चुकी हूँ मैं। काश इतना जल्दी हम काम कर लेते। और अब जा रही हूँ मैं कपड़े फैलाने के लिए और आर्यन को मैंने बिठा दिया अंदर ताकि वो कार्टून देखे, लेकिन मुझे पता है वो मेरे पीछे आ जाएगा बार बार। कपड़े फैलाने के बाद अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू सारी तरफ ताकि साथ साथ डस्टिंग का काम भी हो जाए। और ये है आर्यन की बॉल पड़ी हुई और आर्यन ने भी इधर खेलना होता है। अभी तकरीबन 10 बज चुके हैं और अब मैं आर्यन को दे रही हूँ दही डाल के थोड़ा सा ताकि वो खा ले, और फिर इसके बाद तकरीबन 1 घंटे तक मैं उसको सुला दूँगी। सुबह से नाश्ते के बाद अभी तक उसने कुछ नहीं खाया, तो इसलिए फिर मैंने उसे दही दे दिया। यहाँ पे दही खिलाने के बाद फिर मैंने उसको तकरीबन 10:45 बजे सुला दिया था और अभी वो जाग गया है। और आज मैंने बनाई है उसके लिए रोटी और साथ में अपने लिए भी रोटी, और पालक है, पालक गोश्त, और आर्यन को मैंने रोटी के साथ दही दिया है। देखते हैं आज वो खाता है या नहीं खाता। और बस अब मैं उसको डाल के देने लगी हूँ। वेरी गुड, अब तो ये बिग बॉय हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाओ, क्लैपिंग भी करनी है ना। देखा, ये देख रहे हैं आपको। आप तो कुछ खाते हो, मैंने तो खिलाया नहीं आपको। मैं अपना खाती हूँ, आप अपना खाते हो। कौन गुड़ गुड़ करती इस वक्त दोपहर के 3:30 हो रहे हैं और आर्यन कार्टून देख रहा है। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आर्यन ने ख़ुद रोटी के छोटे छोटे नवाले जो हैं वो आराम से खा लिए हैं। अब इस वक्त जो सुबह मैंने कपड़े फैलाए थे वो भी उतार लाई हूँ और उनको फोल्ड करके रख रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी से काम फिनिश हो जाए। और जो कपड़े फिर इस्त्री करने वाले हैं उन्हें भी अभी इस्त्री कर लूँगी। और अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे कपड़े प्रेस। जितने भी कपड़े प्रेस करने वाले थे वो सारे भी कर लूँगी।
और फिर इसके बाद उनको हैंग कर दूंगी ताकि जो है फिर वो रोज़ रोज़ प्रेस नहीं करना पड़ते। इस तरह मुझे ये होता है ना कि जिस वक्त भी मैं कपड़े धोती हूँ उसकी शाम को मैं प्रेस कर लेती हूँ तो फिर इकट्ठे बहुत से कपड़े नहीं होते, तकरीबन रोज़ का एक जोड़ा हो जाता है प्रेस करने के लिए। चिली लेकर आया है और अब मैं इसको चिली जो है वो प्लेट में निकाल के देने लगी हूँ ताकि ये खा। ये लो, वन बाय वन लो। चलो खाते जाओ, फिर मामा नहीं फिर देंगी। गन बना रहे हो आप? तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इस वक्त आर्यन लेट के चिप्स वगैरह खा रहा है और बस आप हमें दुआ में याद रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।